कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आई हूँ सर्दियों में हम सबका स्पेशल फेवरेट मूली के पराठे। जी हाँ फ्रेंड्स, और पराठे सबको पसंद है, किसको पसंद नहीं पराठे, हम सब खाना पसंद करते हैं। तो मैंने आज मूली के पराठे को 5 अलग अलग तरीके से बनाने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही टेस्टी, हेल्दी भी है और डिलीशियस भी है और चटपटी भी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है इस पराठे को टिफिन में दे सकते हो अपनी फैमिली को, जैसे ऑफिस जाने वाले हो उनको, और बहुत जगहों पे स्कूल भी स्टार्ट हो गया तो आप बच्चों के टिफिन में भी डाल सकते हो, दही के साथ, अचार के साथ, चटनी के साथ, इन सब चीजों के साथ। और हाँ, चटनी की रेसिपी भी मैंने डाली है, अगर आप लोगों ने चेक नहीं किया है तो जरूर कर लेना, मैं लिंक डाल दूंगी, और दही की भी रेसिपी की लिंक मैं डाल दूंगी, तो चेक जरूर कर लेना। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दिल खोल के शेयर करें, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर जरूर करें, ताकि वो भी जो है इस वीडियो का लाभ उठा सके। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे से कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर, ये सब पर आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, और मैं उस क्वेश्चन का हर संभव कोशिश करूंगी जवाब देने की। तो चलो, टाइम वेस्ट ना करते हैं, ऐसे ही बहुत बातें बना ली मैंने, अब मैं पराठा बनाने चलती हूँ। मैंने 2 कप ले लिए हैं आटा, गेहूं के आटे जो नॉर्मल हम रोटी खाते हैं, और 1/4 चम्मच मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर, और 1/4 चम्मच डाला है हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, और 1/2 चम्मच नमक। और नमक डालने के बाद अब काली मिर्च डालेंगे, तो 1/4 चम्मच काली मिर्च डाला है मैंने, और बहुत 2 से 3 पिंच काला नमक डाला है, ब्लैक सॉल्ट, और ये अजवाइन डाल देंगे 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच गरम मसाला, कोई भी गरम मसाला आप डाल सकते हो, और अब थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ 1/2 चम्मच, ये भी थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है आज। और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून डाल देंगे तेल, रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ मैं, और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मैंने पैरी मसाला डाला है, पैरी पैरी, आप चाहो तो डालो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है दही। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 चम्मच दही डालना है, ज़्यादा नहीं, और जो घर की दही ही डाले, मीठी दही डाले, घर की या बाहर की, लेकिन मीठी दही डाले। और इसमें मैंने क्रश करके डाले हैं मूली, और ये मूली को डाल करके और हम अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर देंगे। अभी हमें पानी एक बूंद भी नहीं डालना है, पहले आटे में जो मसाला डाला था और ये मूली, सारी चीज़ को हमें अच्छे से थोड़े टाइट हाथ से मिक्स करना है, ताकि मूली के अंदर जो भी पानी होगा वो अच्छे से आटे में आ जाएगा। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 से 3 टेबल स्पून बेसन, चने का बेसन, जो हम पकौड़ी, भजिया ये सब तैयार करते हैं वो बेसन, अब बेसन को भी डाल करके हम सारी चीज़ें को अच्छे से टाइट टाइट हाथ से मुट्ठी बांधते हुए गूंद लेंगे। ये गूंदने के बाद हमें पता चल जाएगा जो हमें कितने पानी की ज़रूरत है, तो अब बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालना है, और एक टाइट डो इसका तैयार करना है, बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो एक तो मूली है और मूली में ज़्यादा अगर गीला हो जाएगा तो अच्छे से हमारा पराठा जो है बन नहीं पाएगा। तो बहुत टाइट हाथ से इसको गूंदना है, और बहुत ही टेस्टी सा फ्रेंड पराठा बन के जो है तैयार होता है, और ये देख सकते हो इतना ही टाइट हमें बनाना है, और बहुत लजीज पराठा लगता है खाने में। थोड़ा सा मैंने तेल लगा लिया है, हल्का सा हाथ पर, ताकि ये चिपक जो रहा था वो चिपकना बंद हो जाए, पानी जब तक लगाते रहेंगे चिपकेगा, तो थोड़ा सा चिकना करने के लिए मैंने ऑयल लगाए हैं हाथ पे, और हम आटा को जो है चिकना करके, और अभी आटा को हम ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ेंगे नहीं, इसके लिए हमें आटे को जो है गूंद करके और फटाफट बना ही लेना है। इसको छोड़ेंगे तो फिर इसमें पानी छोड़ देगा, नमक डाला हुआ है, इसलिए इस आटे को बिल्कुल हम रेस्ट पर नहीं रख सकते, आटा गूंद करके, और जब आपको बनाना हो उसी टाइम गूंदे और बना ले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है ये टेस्टी बनती है, इसके लिए हमें गर्मा गर्म ही खाने में मज़ा आता है, ठंडा तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, गर्म गर्म एक एक करके निकालते जाओ और खाते जाओ, बहुत ही ज़्यादा मतलब
सॉफ्ट बनकर के तैयार होता है। दही डालने का मतलब होता है जो हमारा सॉफ्ट आटा भी गूंद के तैयार होता है और हमारे जो भी पराठे पूरी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अब चाहो तो आप इसका पराठा भी बना सकते हो, चाहो तो आप इसकी पूरी भी बना सकते हो। देख सकते हो आटा बिल्कुल भी गीला नहीं है, किस तरीके से मैं घुमा रही हूँ आटे को। तो इसी तरीके से आप आटा गूंदोगे तो बहुत ही टेस्टी सा पराठा पूरी जो भी आप बनाना चाहो वो बन के तैयार होता है। तो फ्रेंड्स मैं आज चार तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। जो आप ऐसा नहीं है जो मूली कुछ भी आप गोभी हो या कुछ भी डाल करके या आलू डाल के कैसी भी कुछ भी डाल करके बना सकते हो, लेकिन अलग अलग डिफरेंट तरीके से आप कैसे बना सकते हो पराठा वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो मैंने एक बड़ी सी लोई ले ली है और उसमें मैंने एक चुटकी कलौंजी डाल के दबा दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, कलौंजी काला जीरा, और इसको दबाने के बाद हम अच्छे तरीके से अब बेल लेंगे। और जब हम कलौंजी डालते हैं तो थोड़ा सा हाथ से जो है दबा देना है, दबाने के बाद वो अच्छे से अंदर चला जाता है। अब हम इसको बेलेंगे तो इसके डिजाइन तो अच्छे लगते ही हैं, लेकिन कलौंजी डालने के बाद जब आप सेकते हो तो इसका टेस्ट जो है डबल ट्रिपल हो जाता है। हम लोग को तो बहुत पसंद आता है इस तरीके के पराठे, और आप लोग भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको भी पसंद आएगा। और थोड़े से क्या है, पराठे ये बड़े बड़े और थोड़े से जो है पतले, ज़्यादा नहीं मोटे, थोड़े से अच्छे लगते हैं। और इनको जो है हमें ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे सेकना होता है। बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे बन के निकलते हैं ये। अब देख सकते हो एक साइड का जो है थोड़ा सा पक गया है, तो अब मैं उसके ऊपर तेल डाल रही हूँ। और फ्रेंड्स देख सकते हो आप, तेल डालने के बाद बिल्कुल भी कलौंजी नहीं निकल रही है, यानी कि बिल्कुल अच्छे तरीके से चिपक चुकी है। और कितना अच्छा ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन लग रहा है, देखने में भी लग रहा है लाजवाब और खाने में तो है ही, तो है ना अच्छी बात। अब हमने इसको पलट लिया है और पलटने के बाद जो है थोड़ा सा तेल डालूंगी मैं, और तेल डाल करके हमारा जो है गैस मीडियम फ्लेम पे ही है। तवा मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं किया था, तो ऐसा नहीं जो तवा तेल डालने के बाद धुआं निकलने लगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर हमें गर्म करना है जो तवा में चिपके ना पराठा। अब मैं इसके दूसरे की तैयारी कर रही हूँ, इतने वो सिक रहा है इतने दूसरे की तैयारी कर रही हूँ। थोड़े से बड़े बड़े से ही बनाने हैं। ये देख सकते हो कितना अच्छा कलरफुल जो है हमारा एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी पराठा। तो इसी तरीके से जब हम धीमे आँच पर सेकते हैं तो ऐसा ही पराठा रेडी होता है, तैयार होता है। और जो तेज़ आँच रहता है तो फिर जल जाता है और अंदर से कच्चा रहता है और सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है, तो मज़ा नहीं आता खाने में। जब खाना बना ही रहे तो थोड़ा सा अच्छे से बनाए, तसल्ली से बनाए, तो क्या है अच्छा लगता है। अभी मैंने दूसरा बेल लिया है और इसके ऊपर मैं डालनी हूँ भुने हुए सफ़ेद तिल। जी हाँ फ्रेंड्स, जो तिल की अपन लड्डू बनाते हैं उसी तिल को मैंने जब भून रही थी मैं, तो भून करके मैंने रख लिया था थोड़ा सा, और उसी तिल को दबा करके और मैंने इसमें डाला। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ही ज़्यादा ये भी टेस्टी लजीज लगता है और शाही जैसा लगता है ये बिल्कुल। अब देखो ये हमारा जो है पराठा बिल्कुल सिक के तैयार हो गया है। अब मैं दूसरे पराठे जो तिल वाले हैं उसको भी सेक लूँगी इसी तरीके से, कोई अलग तरीका नहीं है, सेम इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर हमें सेकना है, और बहुत ही टेस्टी सा जो है पराठा हमारा तैयार हो जाएगा ये भी। तो अब देख सकते हो ना अच्छा इसका भी लग रहा है। अब मैं थर्ड पराठे के लिए ऐसे ही बड़ी सी लोई ले लूँगी। सब आज मैं अलग अलग चीज़ों के साथ ट्राई कर रही हूँ ताकि आप लोग को उसमें से जो पसंद आए आप कर सकते हो। और इसमें मैंने डाल दिए हैं कसूरी मेथी, कसूरी मेथी डाल करके और अच्छा सा दबा करके और इसको भी बेल लेंगे अच्छे तरीके से। बिल्कुल चिपक जाता है, ऐसा नहीं है जो निकल जाएगा, एक थोड़ा बहुत निकलेगा तो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलता, आप दबा करके अगर बेल दो तो। ये भी जो है एक साइड हो गया है, तो तेल डाल दिया था मैंने और फिर पलट दिया है इसको। अब इसको इधर बेल रहे हैं तो इस तरीके से जो है देखो थोड़ा बहुत निकला, उसके बाद पूरा का पूरा जो है चिपक चुका है ये। और ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है जब आप सेकते हो मीडियम फ्लेम पे, तो क्रंची क्रंची कसूरी मेथी का जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो कसूरी मेथी बहुत हेल्दी भी होता है और हमें खाना भी चाहिए। मेथी तो हम हरा मेथी तो खाते ही हैं, लेकिन जब मेथी का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो हमें स्टोर भी करके रखना चाहिए कसूरी मेथी बना करके। तो कसूरी मेथी जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। ये दूसरा पराठा भी हमारा जो है सिक्के रेडी हो चुका है। अब मैं तीसरा पराठा बना रही हूँ जो कि कसूरी मेथी का है,
और तिल भी गर्म होता है, तो सर्दियों के मौसम में हमें खाना चाहिए, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, दर्द जोड़ों के दर्द के लिए। और तिल के साथ साथ हमें ये मूली है, मूली भी अच्छा होता है, पेट साफ रहता है और मूली से कई सारी बीमारियों का जो है इलाज होता है, तो इसके लिए जो है हमें मूली भी खाना चाहिए। सर्दियों का सीजनल सब्ज़ी इसीलिए तो बोलते हैं सीजनल सब्ज़ी खाना चाहिए, तो जो भी सीजन में सब्ज़ी आती है उसको खाना चाहिए। अब तो हर सब्ज़ी सालों भर मिलने लगा, तो मैंने एक साइड से पलट लिए थे और पलट करके उसको भी सेक लिया है। अब मैं इस पे डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, जो हमारी चौथे पराठे हैं इस पे मैं कुटी हुई लाल मिर्च डाल करके और इसको भी अच्छे तरीके से बेल लूँगी। और ये भी देखो रेड और वाइट का कितना अच्छा कलर लग रहा है और खाने में भी इतना ही अच्छा लगेगा ये। तो ये चार तरीके से, और भी तरीके से आप पराठे बना सकते हो। आप चाहो तो इसके ऊपर जीरा डाल दो, आपको जो भी पसंद है आप डाल सकते हो, हरी मिर्च काट करके डाल दो, प्याज काट के डाल दो, अलग अलग तरीके से, बहुत तरीके से, जितने तरीके से हम चाहें बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो ये चार तरीके हैं, बहुत तरीके हैं, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ आज चार तरीके शेयर किए हैं। फिर मैं नेक्स्ट में और भी तरीके शेयर करूँगी आपके साथ, और ये पाँचवा भी मैं बना करके दिखा रही हूँ आप लोगों के साथ। तो क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसके लिए जो है मैंने पांच तरह के ही बनाए हैं पराठे, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ और ज़्यादा शेयर करूँगी। और ये पांचवा पराठा जो है इस पे मैं पेरी पेरी मसाला डाल रही हूँ, आप चाहो तो इस पे गरम मसाला भी डाल सकते हो, आप चाहो तो इस पे पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हो, आप चाहो तो इस पे चाट मसाला डाल सकते हो। तो इस तरीके से जो है अब ये थोड़ा सा मैंने जीरा भी इस पे डाल दिया है और थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला डाल करके और दोनों को मिक्स करके, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। पेरी पेरी के जगह पर आप कोई भी मसाला डाल सकते हो, ये देख सकते हो, ये भी अच्छे तरीके से क्रंची क्रंची सिक चुका है हमारा। मैं तो सोच रही थी आज जो मैं चार तरीके से ही बताऊं, लेकिन मैंने सोचा चलो नहीं एक और बना ही लेते हैं, चार क्या करना, पांच ही कर लेते हैं, तो पांच हो गया बस। और ये देखो कितना अच्छा करंची करंची फटाफट, और क्या है खाने जब बैठते हैं एक 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 पराठा जो है बनाते जाओ देते जाओ गर्मा गर्म, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में भी और बनाने में भी। और ये जो पराठे हैं इनको आप दही के साथ, हरे धनिया की चटनी के साथ, अचार के साथ, ये सब चीज़ों के साथ इंजॉय कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में बहुत मज़ेदार रेसिपी है ये और हर किसी को बना करके खाना चाहिए ये। और इतना खस्ता बनता है ना, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर के तैयार होता है, थोड़ा सा दही डालने से इसकी जो है बिल्कुल आटा चेंज ही हो जाता है। और इस तरीके से जो है ये मैंने लास्ट के पराठे भी डाल दिए हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा नहीं बनाना होता है, जब मूली जितना बनाना होता है उतने ही फिर मूली पानी छोड़ने लगता है, तो टाइम जैसे ही ज़्यादा ज़्यादा होता है मूली में से पानी निकलने लगता है नमक के साथ। इसके लिए जो है जितना खाए उतना ही बनाए, फिर जब भी बनाना हो तो फिर मूली को क्रश कर ले, कुछ टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, तो क्योंकि जब आप निचोड़ने लगते हो मूली को तो टाइम ज़्यादा लगता है, मूली को क्रश करके और आटे में सीधा डाल दो तो उसमें टाइम नहीं लगता, आप फटाफट गूंद लो, जितना पानी की ज़रूरत हो डालो, नहीं तो नहीं। और ये देखो ये हमारा भी पराठा जो है रेडी हो चुका है, और अब बारी है इसकी प्लेटिंग की, तो अब हम प्लेटिंग करेंगे वो भी बहुत अच्छी सी, ताकि आप लोग को बहुत ही मज़ेदार लगे, टेस्टी लगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो, और हाँ रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ फ्रेंड्स बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए और आप उसका भरपूर फायदा उठा सको। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ और आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने और अपने पड़ोसी का ख्याल रखें। जय हिंद।